बीजेपी कमीशन यूपी आज लखनऊ पहुंचेंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अगस्त में दूसरी बार 40,000 से कम आए नए कोरोना के केसेस, मौत का आंकड़ा बढ़ा। लखनऊ में शराबियों की खुलेआम दिखी दबंगई, शराबियों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में अन्न योजना के दिवस पर नहीं हुआ राशन वितरण, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचा, लोगों के घरों में घुसा पानी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। अन्न योजना के दिवस पर जहां एक ओर देश भर में फ्री बैग के साथ 5 दिवसीय को राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहीं शाहजहांपुर जनपद के कटरा विधानसभा क्षेत्र में 5 दिवसीय अन्न योजना दिवस पर भी कोटेदार ने राशन वितरण नहीं किया। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों की रसीदें काट दी गई हैं प्राथमिक विद्यालयों से राशन के लिए, लेकिन कोटेदार से राशन न मिलने से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने भी जमकर कोटेदार के खिलाफ हंगामा किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2 महीने से राशन वितरण नहीं हुआ है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र भी लिखा है। तो शाहजहांपुर से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर अन्न योजना के दिवस पर एक और जहां देश भर में फ्री बैग के साथ 5 दिवसीय राशन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन शाहजहांपुर की जाए तो वहां पर कटरा विधानसभा क्षेत्र में 5 दिवसीय अन्न योजना दिवस पर भी कोटेदार ने राशन वितरण नहीं किया और इसी को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है और ग्रामीणों ने काफी हंगामा भी किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरेंद्र जुड़ चुके हैं। तो अरेंद्र, आपसे जानना चाहिए, जिस तरह से शाहजहांपुर जनपद में अन्न 5 दिवसीय अन्न योजना पर भी कोटेदार ने राशन वितरण नहीं किया, इसको लेकर जिस तरह से ग्रामीणों ने हंगामा किया, वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने दिसंबर माह का फ्री राशन वितरण का मुहिम चलाई थी जी, जिसमें कोई गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए, जिसमें अन्न योजना दिवस पर भी कोटेदार है वो गरीबों के हक पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि शाहजहांपुर जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में कोटेदारों के द्वारा 5 किलो प्रति यूनिट की दर से राशन ग्रहण किया गया जी। लेकिन बात करें शाहजहांपुर जनपद की विकास खंड जेपीपुर की, तो यहाँ के जो कोटेदार हैं वह पिटरहाई के कोटेदार गरीबों के हक पर लगातार डाका डाल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो 2 महीने से लगातार राशन वितरण नहीं किया जा रहा है, कहीं काट खाबी की बात कही जा रही है, कहीं झांसा दिया जा रहा है कि गल्ला सड़ गया है, ऐसे कई महीने से टरका रहा है और कई लोगों के अंगूठा भी लगवा रहा है जी। इसको लेकर कल ग्रामीणों ने विकास खंड तिल्हार पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की बाहर लगाई और एसडीएम को शिकायत की पत्र में भी कहा है कि लगातार हमें 2 महीने से गल्ला वितरण नहीं किया जा रहा है जी। अरे जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनको 2 महीने से राशन नहीं मिला है, इसकी कहां कहां पर लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है? जी बिल्कुल, यहां जैसे कि विकास खंड अभी तक उन लोगों ने शिकायत दर्ज की, इससे पहले भी पूर्व प्रधान से भी शिकायत दर्ज की थी और इस वर्तमान प्रधान है उनसे भी कई बार इस बारे में शिकायत की कि लगातार हमें 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। तो इसमें कई जो बच्चों के लिए काफी विद्यालयों में बच्चों के लिए राशन आता है, वही बच्चियां विद्यालय से काटी गई हैं, वो बच्चे आज भी लिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह कोई भी अभी भी शासन इस तरह से राशन वितरण नहीं हो पाया और वो जिला अधिकारी के पास भी गए हैं, जहाँ क्या देखो अपडेट मिलता है जिला अधिकारी के पास से वहां से कि क्या कार्रवाई करने में, जो पूर्ति निरीक्षक है उनका भी कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और टीम भी गठित की जा रही है, जल्द से जल्द जांच कर और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जी। अरेंज हिसाब से बता रहे हैं आपकी, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम से लेकर डीएम तक भी न्याय की गुहार लगाई है, लगातार कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया उनकी तरफ से, लेकिन क्या अभी तक कुछ इस मामले में कार्रवाई हो पाई है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए शासन प्रशासन की लापरवाही तो हमेशा चलती आई चली, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं
प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से जो राशन मुहिम अभियान चला रही है, इसमें शाहजहांपुर जनपद के जो भी प्रधान अधिकारी है वो परीक्षा लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई सरकार की जो सत्ता पक्ष सरकार से या तो दबाव बनाना चाह रहा है या फिर प्रशासनिक की कार्रवाई इसमें से नहीं मिल रही है। पिछली दो दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई करने का आदेश हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी टीम ने मौके पर जाकर मुआयना करने की जहमत तक नहीं उठाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरेंज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरेंज जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से एक तरफ सरकार अन्य योजना चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए शाहजहांपुर जनपद की, तो वहां पर विधानसभा क्षेत्र में 5 दिवसीय अन्य योजना पर भी कोटेदार ने राशन वितरण नहीं किया और इससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और इसी के चलते ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा भी किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2 महीने से राशन वितरण नहीं हुआ है और इसी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र भी लिखा है। वहीं अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के धमकी भरे अंदाज में बिगड़े बोल सामने आए हैं, जिसमें वे मंच से जनप्रतिनिधि को चटनी की तरह पीसने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके बाद एक और वीडियो जिला पंचायत सदस्य केपी मिस्त्री का वायरल हुआ है, जिसमें वो खुद की जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव के बाद कुछ दिनों पहले तहसील अतरौली क्षेत्र के राधा विहार गेस्ट हाउस में नवनिर्वाचित प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह किसी नेता के घर पर सुबह 5 बजे पहुंचे और उसने वोट के लिए इनकार कर दिया। हमें इस राजनीति से मिटाना चाहिए और ये सिलौटा की तरह घिसवा देना चाहिए। इसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य केपी मिस्त्री का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। खबर सीतापुर से, जहां लगातार अपराधों का तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े कमला पसंद एजेंसी होल्डर से लूट की गई, वहीं लूट के बाद एजेंसी होल्डर को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि 20 लाख की लूट की वारदात को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया। वहीं आनंद फानंद में व्यापारी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिनांक 6/8/2021 को करीब 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक आरिफ नाम के गुप्ता का व्यक्ति है और पैसा कलेक्शन करके आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर मौके पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की, शिकायत किया, जिसके उनके पैर में चोट आई है और उनसे बैग। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के कोटा में स्थित कनहर नदी में नहाने गए दो नाबालिग नदी में डूब गए। बच्चों के डूबने की सूचना मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी में डूबे हुए बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं मामले की जानकारी होते हुए तत्काल मौके पर चौपन थाने की पुलिस पहुंच गई और छानबीन में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बकरी चराने बच्चे आए थे, बकरी पानी पिला के छोड़ दिए, बकरी चला गया उधर और नहाने लगे। नहाने के समय ही दोनों बच्चे, एक छोटा डूब रहा था उसको भी पकड़ने गया, वो भी डूब गया। कितने बजे की घटना है? लगभग 11:30। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बडगाम से ये खबर सामने आ रही, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। बता दें कि बडगाम के मोचवा इलाके में मुठभेड़ जारी है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है।
उनके पास AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। बड़गाम के मोचुआ इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के बड़गाम से सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी भी मारा गया है। आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद हुई। इसी बीच बड़ी खबर, यूपी विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त को अनुपूरक बजट सरकार पेश करने वाली है। विधानसभा में अध्यादेश अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 17 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 24 अगस्त को अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होगी। वही चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर यूपी विधानमंडल सत्र 17 से 24 अगस्त तक शुरू होने वाला है और 20 अगस्त को अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। वही विधानसभा भी पेश की जाएंगी। बड़ी खबर, पुलिस की सिपाही भर्ती 2018 में फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। पुलिस भर्ती प्रोन्नत गोल्ड के सचिव से जुड़ी खबर है। लखनऊ निवासी दो नामजद समेत 4 पर केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि गोरखपुर में हुए शारीरिक परीक्षा के दौरान ये फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दो अभ्यर्थियों की जगह बाहरी ने परीक्षाएं दी थी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर पुलिस PSC सिपाही भर्ती 2018 में फर्जीवाड़े का मामला ये सामने आया है। लखनऊ निवासी दो नामजद समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फतेहपुर से बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी है। बता दें कि बाइक सवार दोनों युवा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गांव थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास ही ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की फतेहपुर से, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पूरा मामला फतेहपुर के हदगाम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, फिरोजाबाद से सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। भयानक आग लगने से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आपको बता दें कि कार सवार 3 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के कर्मचारी। थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। से बड़ी खबर, JP नड्डा का दो यूपी दौरा। JP नड्डा 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बता दें कि आज लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में JP नड्डा हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं एयरपोर्ट में BJP के कई बड़े पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए जगह जगह पर होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर JP नड्डा का आज 2 दिवसीय यूपी दौरा है। आज 11 बजे वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर वो विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा भी लेने वाले हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट में BJP के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, प्रयागराज में नदियों का जल स्तर उफान पर। भारी बारिश के कारण खतरनाक स्तर तक नदी पहुंच चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि नदी का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। We'll be right back.
करते हैं खबरों की तरफ। औरैया के यमुना नदी के विकराल रूप धारण करने से यमुना के किनारे बसे गांवों का बाढ़ग्रस्त होने के बाद जिले के बाढ़ग्रस्त ग्रामों का निरीक्षण किया गया है। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन पर मदद न करने के आरोप लगाने पर जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि जल स्तर बढ़ने से लेकर अभी तक कृषि मंत्री, विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत प्रशासन मदद करने में शुरू से ही लगी हुई है। तो औरैया से ये खबर बता रहे जहां पर यमुना नदी के विकराल रूप धारण करने से यमुना के किनारे बसे गांवों का बाढ़ग्रस्त होने के बाद जिले के बाढ़ग्रस्त ग्रामों का निरीक्षण किया गया है। वहीं ग्रामीण लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत युवकों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित शख्स अमित वर्मा के सर पर गोली लग गई। आपको बता दें कि उसे कई गंभीर चोटें आई हैं, घायल के परिजनों का रोकर बुरा हाल है। वहीं हादसे के बाद पीड़ित अमित शर्मा ने आशियाना कोतवाली में इस घटना की तहरीर दी है, जिसके बाद आशियाना इंस्पेक्टर ने सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर आशियाना थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत युवकों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद पीड़ित शख्स अमित शर्मा के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद पीड़ित अमित शर्मा ने आशियाना कोतवाली में इस घटना की तहरीर दी, इसके बाद आशियाना इंस्पेक्टर ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीछे साइड वहां पे कुछ सारी बोतलें लगी थी, वहां पे शराब पी रहे थे दो तीन चार बंदे, उन्हीं के दोस्त। क्या हुआ मुझे मारने पीटने लगे। मेरे पास दो मोबाइल होते हैं, एक मोबाइल मेरा कहीं गिर गया, लेकिन एक मोबाइल जो मेरे बेटे का है वो मैंने मुट्ठी में पकड़ रखा था, वो मारते पीटे गए, लेकिन मैंने मुट्ठी खोली नहीं। फिर सर जैसे तैसे मारपीट करके मैं जैसे तैसे वहां से भाग के मैं आ गया। फिर जहाँ मैंने स्कूटर चंद्रिका मैया पे खड़ी थी, मैंने अपने दोस्त को बोला कि वो स्कूटर। बुलंदशहर के किलकारी अस्पताल में परिजनों ने डॉक्टर पर बच्चे की मौत का आरोप लगाया है। आपको बताते हैं कि 4 महीने का बच्चा 5 दिन से अस्पताल में भर्ती था। वहीं परिजनों ने बताया कि 40,000 रुपए डॉक्टरों द्वारा ऐठे गए हैं। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आक्रोशित परिजनों को समझाया भी। ये बात किसने बोली थी? मैडम कहती ना हमें बच्चा प्यारा है, बच्चा प्यारा नहीं है, हमें तो पैसा प्यारा है, हमें पैसा चाहिए। तुम्हें बच्चा प्यारा? कितने दिनों से बच्चा एडमिट था? बुलंदशहर से एक खबर बता रहे जहां पर 4 महीने बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों का यह कहना है कि 40,000 रुपए डॉक्टर द्वारा ऐठे गए हैं। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आक्रोशित परिजनों को लगातार समझाया भी। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ।
हुआ है। सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक लोग घायल भी हो गए हैं। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस घटना को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो सुल्तानपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। हमीरपुर के थाना सुमेरपुर कस्बे में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हमीरपुर से एक खबर बता रहे, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। आपको बता दें ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है। तो हमीरपुर से खबर बता रहे, जहां पर एक हादसे में महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। औरैया के आयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को कुछ पुलिसकर्मी पकड़ कर ले जा रहे हैं। वहीं गांव के अन्य युवकों द्वारा उसे छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि उपजिलाधिकारी अजीतमल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण करने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद एसडीएम अजीतमल विजेता जुहीका गांव में बाढ़ का जायजा लेने और पीड़ितों को लंच पैकेज और पीने का पानी लेकर पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 3 दिनों से प्रशासन खाली हाथों आता है और हम ग्रामीणों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। युवक की इतनी बात सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस की गाड़ियों पर लाठी डंडे चलाने लगे हैं। हर एक सेवाएं पहुंच रही है, क्योंकि प्रभावित लोगों की सच है कि प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर घंटे बढ़ती जा रही है। अब जो वाटर लेवल है वो बुरा नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि अब ये वाटर लेवल डाउन हो गया, लेकिन चूंकि लोगों को डर लग रहा है कि और समस्या बढ़ जाए, लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं, सभी लोगों को खाना पीना सब मुहैया करवाया जा रहा है, चूँकि बिस्किट वगैरह सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो भी लोग बताते हैं अगर उनको त्रिपाल की आवश्यकता होती है, त्रिपाल भी यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर कि हम लोगों ने कोई विचार ना किया हो या उनको साथ। एसडीएम अजीतमल विजेता जुखीरा गांव में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे और पीड़ितों को लंच पैकेज और पीने का पानी भी देने पहुंचे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से औरैया जिले का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आयाना थाना क्षेत्र के जूता गांव का मामला है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को रात का सामग्री देने गई, वही ग्रामीणों की नाराजगी जताते हुए 3 दिन से अभी तक कोई रात सामग्री प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं कराई गई थी। वही ग्रामीणों का आरोप कोई लगिया देता है तो कुछ नहीं देता, क्या बुरा होता है। सुबह 3 दिन बाद जब प्रशासन उनको खाने के लंच पैकेट देने जाता है तो वहाँ पर लोगों में आक्रोश जागरूक हो जाता है, वहाँ पर काफी लाठी भी लगती है। उसी के दौरान पुलिस ने एक युवक को पकड़ लेकर गाड़ी बैठाने का प्रयास किया, वहीं पर ग्रामीण इकट्ठा होकर उस युवक को छुड़ाने का कोशिश की। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महासाज आज जुड़ने के लिए। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देख रही है प्राइम टीवी।